नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बुधवार महादुर्गा अष्टमी, एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए, उत्तम जीवन साथी के लिए, घर में सुख शांति के लिए माँ महागौरी की विशेष पूजा की जाती है। अगर आप के लिए संभव हो तो आधी रात की पूजा करें तो इसके फल आपको ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि माँ महागौरी की पूजा आधी रात में करने का विधान है। अगर आप आधी रात में पूजा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? माँ महागौरी को दूध एक कटोरी में रखकर भेंट कर दें और उसमें एक चांदी का सिक्का रखकर आप उनको अर्पित कर दें। चांदी का सिक्का आपके पास पहले से है तो इसको गंगा जल से धोकर शुद्ध करें, और फिर अगर आप रात में पूजा करते हैं तो आपको अगले दिन इस कटोरी को उठाना है, दूध वाली कटोरी को। दूध को किसी पौधे में डाल दें और जो सिक्का है उस सिक्के को पोंछकर अच्छे से अपने पास सुरक्षित रख लें। जीवन में धन की मुश्किलें नहीं आएंगी और छप्पड़ फाड़ के बरसेगा पैसा, और पूरे साल माता लक्ष्मी जी की, माता दुर्गा की, माँ महागौरी की कृपा आपके घर में बरसती रहेगी। धन आकर्षित होता रहेगा आपके घर में, धन के स्रोत बने रहेंगे और समय में जब भी आपको जरूरत होगा धन आपको मिलता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सिंपल तरीके से हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। बहुत से दर्शकों से अनुरोध रहता है कि छोटे वीडियो में आचार्य जी हमें बताया करिए, इसलिए हम बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे से वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि आपको, चूंकि इस बार जो महाअष्टमी पड़ रही है शारदीय नवरात्रि में, ये 13 अक्टूबर को दिन बुधवार को पड़ रही है, 13 अक्टूबर दिन बुधवार को इस बार महादुर्गा अष्टमी पड़ रही है, तो इस दिन क्या खाएंगे? देखिए, महा महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है अष्टमी के दिन, तो आपको एक चीज, कौन सी चीज खा लेना है कि माता लक्ष्मी जी और महा महागौरी की कृपा आपके घर में सदैव बरसते रहे और छप्पड़ फाड़ के पैसा आपके घर में आता रहे। तो इस दिन नारियल का भोग अत्यंत शुभ माना जाता है महागौरी को, तो सफेद मिठाई का भोग लगाया जाता है, इसलिए नारियल की आप मिठाई भी बना सकते हैं। तो नारियल का भोग तो आपको लगाएंगे ही, लेकिन नारियल को फोड़ना नहीं है वहां पर अष्टमी के दिन, इसलिए मत फोड़िएगा। आप सफेद मिठाई का भोग लगाइए और उसी को पूरे प्रसाद के रूप में खा लीजिए। तो ये जो सफेद मिठाई है, जीवन में जो शुक्र हैं, शुक्र चूंकि सुख के दाता हैं तो मजबूत आपको मजबूत रहेंगे आपके कुंडली के, और जब शुक्र मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को सुख साधन संपन्नता आसानी से प्राप्त होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, वाहन का सुख प्राप्त होता है। तो आपको सफेद मिठाई का भोग लगाना है माँ महागौरी को, और अगर पति पत्नी में प्रेम चाहते हैं तो यह सफेद मिठाई एक दूसरे को प्रेम से खिलाइए, अपने दाहिने हाथ से खिलाइए, खूब प्रेम बढ़ेगा और माँ महागौरी की कृपा से शिव जी की तरह, माँ पार्वती की तरह आपका जीवन यानी कि यापन होगा। तो आपको इस बार 13 अक्टूबर दिन बुधवार को महाअष्टमी का दिन, महाअष्टमी की तिथि है, और इस दिन आपको नारियल का भोग लगा लें, यानी कि जो पहले से, अगर आपने जैसे कि मान लीजिए सफेद मिठाई का, जैसे नारियल नहीं फोड़ता, सफेद मिठाई खा लें, या फिर दुर्गा अष्टमी के दिन आप साबूदाना का, चूंकि वो भी दूध से बनता है तो सफेद ही रहता है, इसलिए साबूदाने का भी सेवन कर लें। अष्टमी के दिन कन्याओं को भी भोजन खिलाया जाता है, तो विशेष वस्तु उन्हें भी आप भेंट के रूप में दें, जैसे दक्षिणा के रूप में दें, फल उन्हें अर्पित करें और उन्हें खूब खीर, मेवा, हलवा, पूड़ी, सब कुछ उन्हें भरपेट खिलाएं, और दक्षिणा के रूप में उन्हें चाहे वस्त्र का दान करें या फिर इस दिन चाहे तो दक्षिणा के रूप में 5 रुपये, 10 रुपये, 21 रुपये जरूर उन्हें अर्पित करें। तो आपको दुर्गा अष्टमी के दिन, यानी कि इस बार के इस महादुर्गा अष्टमी के दिन, आपको सिर्फ एक चीज का खा लेना है, सेवन कर लेना है। वैसे तो आप अनेक चीजें खा सकते हैं इस दिन, जैसे साबूदाने की खीर, खिचड़ी बना के खा सकते हैं जो लोग व्रत रखेंगे, और जो लोग तोड़ना भी, बहुत से लोग तोड़ते हैं या फिर एक टाइम भोजन करते हैं, वो साबूदाने की खिचड़ी बना लें, सफेद मिठाई का सेवन करें। लेकिन आप पहले क्या करेंगे, माँ की पूजा आराधना देखिए विशेष मानी जाती है, उन्हें लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल फल अर्पित करें। पहले तो एक दीपक, पहले तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान वगैरह करके और माँ के चौकी के पास जाना है, एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उन्हें आप सफेद पुष्प, लाल पुष्प, फल और लाल वस्त्र, चुनरी वगैरह अर्पित कर दें। इसके बाद उन्हें आप अपने यानी घर में जो भी आपने बनाया हुआ है उसे भोग के रूप में अर्पित करें। खीर बनाया है तो वो आप अर्पित करें, साबूदाने की खीर खिचड़ी बनाई वो करें, या फिर आप सिंघाड़े की आटे की बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको भोग के रूप में पंचामृत तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस दिन सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए।
सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने के बाद आपको जो आप भोग लगाएंगे, खीर का लगाइए, साबूदाने का लगाइए, उसको ज़रूर आपको अपने पूरे फैमिली के साथ खा लेना है। ध्यान रखिए, पूरे फैमिली परिवार के साथ आपको खाना है। फिर देखिए कैसे छप्पड़ फाड़ के धन आता है। माँ महालक्ष्मी और माँ महागौरी की कृपा आपके घर में सदैव बरसती रहेगी, धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, गरीबी आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी और पूरे साल जमकर पैसे का स्रोत बना रहेगा, पूरे साल धन की कमी नहीं आएगी आपको। और याद रखिएगा, आपको आने वाले यानी साल तक धन का अभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, इस महादुर्गाष्टमी के दिन इन चीज़ों का सेवन जरूर कर लें। तो दोस्तों, कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय महालक्ष्मी।